हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम त्राया के डिफेंस शैम्पू का रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो आपकी बॉटल कुछ ऐसी रहेगी, ओके, देख लीजिए। स्पिल का कोई इशू नहीं है, ये बॉटल में से शैम्पू नहीं स्पिल होता है, ओके। सो ये एक 100 ml बॉटल है, ओके। यहाँ पे इसका प्राइस भी लिखा हुआ है, देखिए 300 rupees। आप ये अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से या त्राया की वेबसाइट से आराम से ख़रीद सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यूज़ है नीचे, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है, ओके, यूज़ बिफोर 24 months, राइट। सो अब आप बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। देखिए, इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, ओके। अब आते हैं सीधा, क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, क्या ये शैम्पू आपको लेना चाहिए। सो देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं ये शैम्पू अभी 3 महीने हो गए हैं मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि मेरा स्कैल्प जो था वो ऐसा था कि आज मैं शैम्पू कर रही हूँ, सो कल मुझे उसमें बिल्डअप दिख रहा है, ऑयली भी बहुत लग रहा है, ड्राई भी लग रहा है, फ्लेकी भी है, स्किन इचिंग भी हो रही है सर में, वो सब लग रहा है, जिसके वजह से मेरे जो हेयर है, मेरे को हेयर फॉल भी हो रहा था, क्योंकि स्कैल्प साफ नहीं हो रहा है, बाल फ्रिजी हो रहे हैं, अटक रहे हैं, उलझ रहे हैं, ऑयली हैं, सो ऑब्वियसली उसमें ब्रेकेज ज़्यादा होगी। मगर ये शैम्पू यूज़ करने के बाद, हालांकि आपको 2 second एप्लीकेशन से ही फ़र्क नज़र आ जाएगा, 3rd एप्लीकेशन से ही फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हाँ, स्कैल्प क्लीन हो रहा है, बिल्डअप बिल्कुल भी नहीं है, आपके बाल जो हैं वो फ्रिज फ्री हैं, ड्राई नहीं है, सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्टली हैंडल करता है आपके बालों को, माइल्ड शैम्पू है, मगर माइल्ड होने के साथ साथ आपके स्कैल्प को भी एकदम क्लीन रख रहा है। सो ये जो बॉटल है 100 ml की, ये आराम से आपकी, अगर आप 2 बार वीक में शैम्पू कर रहे हो तो 2.5 महीने आराम से चल जाएगा, 2.5 से 3 महीने, ठीक है। सो मैं तो बोलूँगी कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, अगर कोई चीज़ 3 महीने चल रही है और वो भी अच्छी चीज़ जो कि आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपके बालों को ख़राब नहीं करेगा, आई वुड से आप ज़रूर इसके लिए चाहिए। और मेरे घर में सब यही यूज़ कर रहे हैं, मैं, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, इनफैक्ट मेरे सिबलिंग्स को भी जब ये ऑयल बिल्डअप का प्रॉब्लम आया था, ड्राई भी हो रहा है स्कैल्प, ऑयली भी हो रहा है, इचिंग हो रही है, इसमें फ्लेकी भी है, तो मैंने अपनी सिस्टर को भी यही शैम्पू सजेस्ट किया था, और वो भी बहुत हैप्पी है, शी इज़ ऑल्सो वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द शैम्पू। सो मैं तो बोलूँगी कि आप ज़रूर इस शैम्पू को ट्राई करिए। शैम्पू के साथ साथ अगर आप ऑयलिंग आपको बहुत पसंद है, सो आप ट्राया का ही शैम्पू भी, ऑयल भी ले सकते हैं, ओके। और आप क्या करना कि मॉर्निंग में आपने ऑयलिंग कर ली 7 बजे 8 बजे के करीब, और आप सेम डे 12 बजे 1 बजे तक आपने शैम्पू कर लिया, ठीक है, और फिर 3 से 4 दिन बाद आप दोबारा वही ऑयलिंग और शैम्पू कर सकते हैं। ट्राई करिएगा कि आप ऑयलिंग करके, चाहे कोई भी ऑयल हो, उसको ज़्यादा देर अपने सर पे मत रखो। अगर आपका मेरे जैसा स्कैल्प है, बिल्डअप हो रहा है, ऑयली भी है, फ्लेकी भी है, मैं ये गलती करके देख चुकी हूँ, और त्राया ने मुझे बचा लिया, मेरे बालों को मेरे बचा लिया है, नहीं तो बहुत हेयर फॉल हो रही थी मुझे। इस शैम्पू के बाद मेरी आधा जो हेयर फॉल है, आधे से ज़्यादा बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि अब मेरा स्कैल्प जो है वो इतना डर्टी नहीं रहता, हेयर भी मेरे बहुत मैनेजेबल हो गए हैं, पहले से बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, फ्रिज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो मैं तो बिल्कुल बोलूँगी कि आपको बिल्कुल ही ये शैम्पू ज़रूर 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 लेना चाहिए, क्योंकि आपको 2nd application 3rd application में ही पता चल जाएगा, ओके। सो गाइज, दिस इज़ माई जेन्यून ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर में सब कर रहे हैं, सो आई वुड से दैट यू मस्ट गो फॉर इट, ओके, यू मस्ट गो फॉर इट। Thank you guys for watching the video. If you like our work, please subscribe our channel and like my video. Bye-bye.